आरटीओ राजकुंद्रा पर लगा है धोखाधड़ी का एक और केस, जिसमें कि एक कथित पति पत्नी ने उन पर 1 करोड़ का धोखाधड़ी का केस लगाया है। जिस कंपनी के थ्रू ये धोखाधड़ी हुई है, उस कंपनी के बारे में शिल्पा शेट्टी ने उनका दिल टूट गया जब वो FIR के बारे में उन्होंने सुना, और इसकी भड़ास सोशल मीडिया पर अच्छे खासी शिवलपा शेट्टी ने निकाली। और उन्होंने कहा कि 28 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में आए हुए, लेकिन जब दुख होता है, जब इस तरह से मेरा जो नाम है, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये कंपनी 2014 में ही बंद हो गई, और उससे पहले भी जो लेन देन थे वो कासिफ नाम के एक इंसान के थ्रू ही होते थे। चाहे आप बैंक के अकाउंट्स देख लीजिए या फिर वो कंपनी को देख लीजिए, यहाँ पर हमारा कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, हमारे थ्रू कोई लेन देन नहीं हुआ है, हमने अपना नाम कभी भी इससे नहीं जोड़ा। और शिल्पा शेट्टी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई ये सब कुछ देखकर, जब सुबह सुबह ही उन्होंने FIR पर अपना और अपने पति का नाम देखा और यही सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट कर डाला और कहा लिखा कि, और उन्होंने सफाई दी कि हमारा इसमें कोई भी लेन देन का कोई भी उसमें केस नहीं था, तो ये केस सिर्फ कंपनी के और उन लोगों के बीच में था जो इसके साथ काम करना चाहते थे। तो भाई यहाँ पर शिल्पा शेट्टी ने अपनी सफाई तो दे दी है, लेकिन इन पर केस एक बार फिर से लग चुका है, और ये धोखाधड़ी का केस है। और कई फिटनेस सेंटर के थ्रू भी ऐसे मामले सामने आए थे जब राज कुंद्रा पर केस चल रहा था। अब ये मामला तो आने वाले वक्त में किस तरह से सुलझता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।